अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, अगर आप किसी फेसबुक किंग को सपोर्ट करते हैं और अगर आपका रिफ़्रेश होता है, यानी कि आप 20 टाइम करते हैं और आपका रिफ़्रेश होता है, तो आप अनफ्रेंडिंग ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो अनफ्रेंडिंग करते वक्त आप अनफ्रेंड तो बहुत सारे कर लेते हैं, लेकिन आखिर में कुछ ऐसे अकाउंट बच जाते हैं, यानी कि वो इधर काउंटिंग तो शो हो रही होती है लेकिन नीचे वो फ्रेंड शो हो नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से आप उन्हें अनफ्रेंड भी नहीं कर सकते। तो वो क्या होते हैं कि वो डिसेबल अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट होते हैं, उन्हें हम अनफ्रेंड नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उनको किस तरह से अनफ्रेंड करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको हर पॉइंट समझ आ सके और कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम को ओपन करने के बाद आपने m.facebook.com सर्च कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ m.facebook.com, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी आईडी, जिसका भी आपने रिफ़्रेश करना है तो उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपने एरो के निशान पर ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको डेस्क टाइप मोड पर कर लेना है। यहाँ पर करने के बाद आपने फिर दोबारा से क्या करना है, ऊपर सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है और इधर पेंसिल के निशान आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और जहाँ पर एम लिखा हुआ है एम को आपने रिमूव करना है और इधर लिखना है web.facebook.com, ठीक है। इसको सर्च करने के बाद आपके पास कुछ नया सा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पर जो ऊपर आइकन नज़र आ रहा है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी आईडी जो है ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आईडी को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर, अभी मैं आपको बता देता हूँ, नेट थोड़ा स्लो है, ये देखें कि मेरे पास आ चुका है इधर। तो आपने ये इधर लिखा हुआ है अबाउट और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स पर आपने क्लिक करना है। फ्रेंड्स पर क्लिक करने के बाद आपके जो फ्रेंड्स हैं वो इधर शो होने लग जाएंगे। तो आपने यहाँ पर दो बातों का ख्याल रखना है, यानी कि आपने इनएक्टिव या डिसेबल अकाउंट अगर रिमूव करने हैं या अनफ्रेंड करने हैं तो आपने दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो उनका म्यूचुअल शो नहीं होगा और उनकी एक प्रोफाइल पिक्चर जो है वो शो नहीं होगा, तो उनको हमने अनफ्रेंड करना है। अभी मैं आपको इधर एक करके दिखाता हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए, तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक इधर फ्रेंड है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका म्यूचुअल शो नहीं हो रहा, यानी कि ये इनएक्टिव अकाउंट है। अगर इसको आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो इधर अनफ्रेंड का ही सिर्फ ऑप्शन आएगा, यानी कि ये हमारे पास इनएक्टिव अकाउंट है, यानी कि ये डिसेबल अकाउंट है, ये अकाउंट डिसेबल हो चुका है, तो इसको आप यहाँ से अनफ्रेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ये एक्टिव अकाउंट्स दूसरे जो पड़े हैं, अगर इन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाएगा, ये 3, ये देखिए अनफ्रेंड, फॉलो और एडिट फ्रेंड लिस्ट। तो यहाँ पर इसको आप पता चल जाना चाहिए आपको कि ये क्या है, कि एक्टिव अकाउंट है। इसी तरह आप दूसरे अकाउंट्स जिनका म्यूचुअल शो नहीं हो रहा या प्रोफाइल पिक्चर नहीं शो हो रही, उनको आप अनफ्रेंड कर सकते हैं और यही इनएक्टिव फ्रेंड को रिमूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।